हाय एवरीवन मेरा नाम अभिषेक है और कल मैं अपने कमेंट्स को देख रहा था, था तो उसमें कुछ लोगों ने बताया कि एक प्रखर ने वीडियो अपलोड की है जो भी सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर uh, और मुझे या yeah, मैंने देखी कि नहीं या मुझे देखनी चाहिए और मेरा क्या उसके बारे में ओपिनियन है uh, तो मैं एक्चुअली बहुत यू नो एक्साइट मैंने फ़ील किया क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे उस पर उसका कोई इस उसके एंड से कोई जवाब नहीं आया था uh, देखी फिर मैंने वीडियो वीडियो देख के एक्चुअली मैं पहले भी क्योंकि मैंने और लोगों की वीडियोस भी देखी इस दौरान और मुझे रियलाइज़ हुआ एक लाइव स्ट्रीम थी वो भी देखी मैंने और मुझे रियलाइज़ हुआ यार लोग उसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं गालियाँ दे रहे हैं या बहुत अभद्र भाषा का उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी अगर आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने इस आ, मामले में बनाई इवन आफ्टर द नोटिस मेरी एक अपील के नज़रिए से थी वीडियो एक यू नो समझाने के नज़रिए थी कि भाई किस किस वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये अच्छी नहीं है और कैसे आपका ही फ़ायदा और आपके खुद के मेंटल हेल्थ पे भी इसका फ़र्क पड़ रहा होगा जो कि टोटली totally अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना अगर तो कोई बंदा सोशियोपैथ साइकोपैथ लेवल के कैटेगरी पे है तो उसे कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट नहीं करेगा अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर इंसान को चाहे वो कितना भी टफ़ हो आउटवर्डली फिज़िकली मेंटली जैसा भी अपने आप को दिखा रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट हर इंसान को परेशान करता है स्पेशली अगर पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट आपके ख़िलाफ़ हो जाए मेंटल प्रेशर इस बात का बहुत ज़्यादा आ जाता है uh, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एट द बैकग्राउंड चल रहा था कि uh, कि उस बंदे की इस वक्त मेंटल हेल्थ क्या होगी uh, हालांकि वीडियो देख के मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई क्योंकि ये एक अच्छा मौका था प्रखर के पास भी कि वो क्योंकि वो लोगों ने ऑफ़र किया है कि हम अपॉलोजी अपनी एंड से हम इसको यू नो लाइक वी कैन वॉक पास और अपॉलोजी एक्सटेंड करते हुए हम इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं शायद हम फ्यूचर में किसी बेटर जगह पे हो इकट्ठे और यू you नो know, एक डिफरेंट एक, टर्म्स एक पे हो एक दूसरे के साथ आज के मुकाबले जो प्रखर का लास्ट उसके बाद जो प्रखर का वीडियो आया है उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो चाहता है कि ये सॉर्ट आउट हो आ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये उसके एंड से सही है यही मैं पिछले बार भी यही बोला था कि उसके एंड पे देखो एक चीज़ होती है मैंने अक्सर पहले भी इसके बारे में बात की हुई है जो भी लड़ रहा होता है ना किसी भी सिचुएशन में या इस तरीके की विवाद की सिचुएशन है या फिज़िकल लड़ाई है या वॉर्स होती थी पुराने ज़माने में जो इंसान भी लड़ रहा होता है वो अपनी नज़र में हंड्रेड सही होता है वो अपनी नज़र में हीरो होता है वो अपनी नज़र में सच के साथ खड़ा होता है ये हर आ, ये हर कम्युनिटी कंट्री देश लोग सब पे लागू होता है जो हम बॉलीवुड की थर्ड क्लास मूवीज़ में देखते हैं ना कि बंदा कहता है कि आ, मैं ईविल हूँ मैं इसे खतरनाक यू you नो know, हरा दूंगा पीट दूंगा इन पे कब्जा कर लूँ ऐसे कोई नहीं सोचता हर इंसान एक आर्मी को जब रैली कर रहा होता है तो सच के नाम पर रैली करता है ट्रूथ के नाम पर रैली करता है गॉड के नाम पर रैली करता है कि यू आर वर्किंग यू आर डूइंग द वर्क ऑफ गॉड या यू आर डूइंग द वर्क फॉर ट्रूथ एथियस्ट जब रिलीजियस बंदे से लड़ता है तो वो ट्रूथ के लिए लड़ रहा होता है रिलीजियस बंदा जब एथियस से लड़ रहा होता है तो वो भी ट्रूथ और गॉड के लिए ही लड़ रहा होता है अपनी नज़रों में तो अपनी नज़रों में हर कोई हीरो है सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना तो अब प्रकार का जो वीडियो आया वो चाहे उसमें जितना भी बॉम्बेस्टिक है या ये यू you नो know, जो भी उसका जो कि मैं अग, हमेशा उसके इस एटीट्यूड के अगेंस्ट हूँ जो उसका हंड्रेड परसेंट ये होता है कि नहीं मैं ही पूरी तरीके से सही हूँ मैंने एब्सोल्युटली कोई गलती नहीं की इन लोगों ने मेरे साथ एब्सोल्यूट यू नो ज्यादती की है जो कि सही है, नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता जब इतनी बड़ी इतनी पजल्ड और इतनी बड़ी बात हो गई हो कि कि किसी दूसरे के एंड पे गलती ना हुई हो लेकिन अपनी नजर में वो ठीक है ये बात आपको माननी पड़ेगी वो तरी डिस्टॉर्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा नोइंगली you know? नहीं अपनी वो जो फैक्ट्स रख रहा है वो उसके हिसाब से फैक्ट्स ही हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना है अब क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी थी आधे घंटे से ज्यादा की शायद वो वीडियो है और उसमें भी चीज़ें भी कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं थी उसने खास तरीके से ऑर्डर में चीज़ें बताई जो आई डोंट नो इवेंट्स को कैसे कवर करती हैं क्रोनोलॉजिकली कवर करती हैं नहीं करती तो मैंने उनको देख के ही कुछ इश्यूज़ जैसे कि उसने जिन पर बात की उन पर मैंने सोचा कि इन पर बात करूं मैं उसकी वीडियो नहीं देखना चाहता क्योंकि अगर मैं उसकी वीडियो देखूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरी हादत है कि मैं पॉइंट्स को खोलने की कोशिश करता हूँ जिसमें कि टाइम लगता है और अगर आधे घंटे की वीडियो है तो हो सकता है अगर मैं रिएक्शन बनाऊँ तो ये डेढ़ दो घंटे का रिएक्शन हो जाए इतना लंबा वीडियो बनाने की इस वक्त मेरे पास कैपेसिटी नहीं है टाइम कंस्ट्रेंट्स और डिफरेंट रीजंस की वजह से तो इस वक्त सिर्फ मैंने जो कुछ टॉपिक्स मुझे लगे जिनको एड्रेस करना चाहिए वो उन, उनको मैंने नोट डाउन किया और फिर मैं उनको एड्रेस करूँगा उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्रखर जैसे कि आप लेटेस्ट वीडियो बनाइए अगर आपको लगता है कि भाई आप हंड्रेड ट्रूथ के साथ खड़े हो और आपने कोई गलती नहीं की इस पूरे इंसिडेंट में तो आप गलती पे हो गलती सबसे हुई है गलती इनमें से सब बंदों से हुई है हो सकता है किसी ने शुरुआत ना किए किसी ने बाद में गलती की हो या किसी ने पहले गलती की हो लेकिन गलती तो सबसे हुई है तभी आप सब इस प्रॉब्लम में हो इस टाइम अगर नहीं होती गलती तो आप इस प्रॉब्लम में होते ही नहीं तो आ, एक, एक करके उन पॉइंट्स को देख लेते हैं और अगर मेरी आप और भी वीडियोस देखोगे मैंने जब श्वेता और प्रखर के बीच में ही सॉरी संदीप और प्रखर के बीच में ही सिर्फ ये था तब भी जब मैंने इसके ऊपर जितनी बात की है उसमें मेरी कोशिश ये होती थी कि बहुत ही बैलेंस तरीके से आ, और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कॉमेंट में उनका कहना है कि अरे हमें वेट करना चाहिए था या फिर हम सोए हो जाते हैं या लोग एक तरफ से दूसरी तरफ सोए हो जाते हैं मुझे लगता है कि शायद मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहा हूँ और मैं अभी भी उसी स्टैंड पर हूँ क्योंकि प्रखर ने जो अपनी सही बातें बताई उनको मैंने पहले ही सही ठहराया हुआ है ऑलरेडी और संदीप की जो गलत बातें बताई उनको मैंने पहले ही गलत ठहराया हुआ है मैंने श्वेताब की भी गलती पहले भी कही हुई है एनी वे anyway, प्रखर वर्षेज श्वेताब ये बन गया पहला पॉइंट प्रखर वर्षेज श्वेताब ये अगर आपको नहीं पता तो सब कॉन्टेक्स्ट में ये बना हुआ था पहले भी जब श्वेताब ने अपनी वीडियो बनाई उससे पहले भी उससे पहले तब बन गया था जब पहली बार हेलो वाली वीडियो मैंने देखी और मुझे रियलाइज हो कि उसने उसके चैट्स दिखा दिए सीधा ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना एक न, अग्रेश, अग्रेसिव एक्ट है आपका और उस वक्त उसने इसलिए दिखा दिया होगा कि उसने कहा ये देखो यार मुझे उसने कहा था मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं कि मैंने अपने आप अपने से बना रहा हूं मुझे उसने परमिशन दी थी तब मैंने बनाया ये दिखाने के लिए उसने उसके चैट्स दिखाए बट वो फिर भी गलत है क्योंकि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन आउट नहीं करते सिंपल बेसिक नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं और डिसाइड करेंगे कौन से ही गलत है सम हाउ सम वे अपने आप के सच को साबित करने के लिए ही सही प्रखर ने श्वेताब को अंडर द बस थ्रो किया था और ये बात अभी भी स्टैंड ट्रू करती है क्योंकि उसने उसके चैट्स आउट किए थे सबसे पहले और उसको एड्रेस किया था फिर उसके बाद शायद आपने और शायद वही बात उसको सबसे तो बुरी लगी होगी और जो कि लगनी चाहिए क्योंकि आप में से कोई भी इंसान अपने ऊपर ये थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशं रिटर्न वर्बल की हैं अपने दोस्तों के साथ अगर उन सब को बाहर ले आया जाए तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे अगर नहीं तो फिर ये चीज़ दूसरों पे भी एक्सटेंड होती है अप्लाई होती है एनी वे नेक्स्ट पे जाते हैं तो इसलिए अंडर करंट में ये पहले भी था Uh, उसके बाद जब श्वेताब ने अपना वीडियो बनाया जिसमें उसने एक्सपोज कर दिया पूरा का पूरा एक्सपोज उसके शब्दों में तो ये फुल फुल फॉर्म में बाहर आ गया और उसके बाद उसने आपको और 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 भाई आपने नोटिस में लिखा आई हैव सूड प्रकार नोटिस में नहीं आई मीन कम्युनिटी पोस्ट में आपने लिखा आई हैव सूड श्वेताब आपने लिखा है तो ये बनना ही था आपके अगेंस्ट और न, कोई और ऑप्शन नहीं है इस बात का एनी anyway, वे uh, अगला है वाई शिताब इज़ इन कोर्ट ओके तो इसमें मैं मेरे पास ये क्वेश्चन है कि क्यों आपने उनको कोर्ट में घसीटा उस वीडियो के बाद जिसमें जिसमें कि मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि उस डायरेक्टली किसी को कोर्ट में बुलाने से पहले आप उस बंदे से एक बारी पर्सनल लेवल पे जाके आ, जाके आप कॉन्वर्सेशन कर सकते थे इनवाइट कर सकते थे हे यू डिड दिस कैन आई टॉक टू यू आई टू टॉक टू यू अबाउट इट व्हाई डिड यू डू दिस कैन यू रिमूव इट वट जो भी था कि आपने ऐसी कोई पर्सनल रीच आउट करने की कोशिश की केस करने से पहले स्पेशली ऐसे बंदे के खिलाफ जो आपका दोस्त था आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया जैसा कि पहले ही बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है ओके okay? आप नहीं किया आपने डायरेक्टली केस ठोक दिया बंदे के ऊपर क्वेश्चन तो उठेंगे क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली क्योंकि श्विताब ने आपको केस करने की धमकी नहीं दी थी संदीप महेश्वरी ने आपको धमकी दी थी संदीप महेश्वरी ने को उसने एमओ जरूर प्रोवाइड कर दिया होगा अपनी वीडियो के थ्रू लेकिन केस तो नहीं कर रहा था ना वो पे तो आपने उसको भी केस में घसीट लिया तो घसीट तो हो गया ही बात कर लेते पर्सनल लेवल पे पहले कि भाई क्या हो रहा है क्या तुम तो मुझे पूरा अगेंस्ट क्यों हो रहे हो मेरे ठीक है ओके आ, अगला आपने बोला कि कोर्ट सिस्टम को इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती और जब किसी को कहीं इंसाफ नहीं मिलता तो वो कोर्ट में जाता है एंड सो एंड सो इंडिया में किसी भी शहर या गाँव में जहाँ पर भी आप हैं कहीं पर भी, भी आप रहते हैं अपने घर से बाहर निकलिएगा और रोड पे मिलने वाले पहले दस व्यक्तियों से या बीस व्यक्तियों से या अगर आप गैलअप और इन तरीके की जो सर्वे वाली एजेंसीज हैं अगर आपकी इस तरीके की पावर है तो सर्वे कर लीजिएगा और पूछिएगा आम आदमियों से या लोगों से कि किसी मुद्दे को कोर्ट में सुलझाना चाहेंगे आप जितने मुद्दे कोर्ट में नहीं सुलझते उससे ज्यादा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है इंडियन जुडिशरी के बारे में लोगों का ओपिनियन ले लीजिए कि उसमें उनका कितना ट्रस्ट है कितने लोग चाहते हैं कि ओ हम इसको सॉल्व करते हैं जुडिशरी को इन्वॉल्व करके जुडिशरी अपने आप में एक तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ऑर्गेनाइज़ करना और हमारे देश में और हमारे जैसे दूसरे देशों में वो चीज़ कितनी इफेक्टिव है वो आपको अभी कुछ दिनों पहले एक नेता ने एक पर्टिकुलर बयान दे दिया था जिस पे कोर्ट ने किस तरह से रिएक्ट किया था और उसके ऊपर कैसा अप्रोर हुआ था वो आपने देखकर आपको आ, अगर नहीं समझ आया है तो कुछ क्या कहा जाए आपके बारे में आ, हो सकता है आपकी पर्सनल प्रिविलेज या आपकी पर्सनल सिचुएशन ऐसी है क्योंकि आपकी फैमिली के का बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें आपको लग रहा है कि कोर्ट बहुत ही सपोर्टिव होते हैं लोगों के लिए अगर आपने नहीं सुना तो बहुत सारी मूवीज़ पब्लिक कल्चर वह लोगों की जूतियाँ घिस जाती हैं तीन तीन जनरेशन पास हो जाती हैं केसेस सॉल्व नहीं होते आम लोगों की बात कर रहा हूँ हो सकता है आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो एनी वे ओके शताब का आपने कहा कि उसने ब्लैकमेलिंग का कोई प्रूफ नहीं दिया अपनी वीडियो में ओके okay? उसका प्रिंसिपल को पहले सोच लेते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्या है उसने एक प्रिंसिपल प्रोफेस किया था कि मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आउट नहीं करता और आपने और उसने क्लेम किया कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो उसने कहा मेरे पास प्रूफ भी है बट उसने आउट नहीं किया वीडियो के ऊपर जैसे कि आपने आउट किया पहले ही आ, तो वो तो बेसिकली जो अपना प्रिंसिपल बता रहा है उसी को फॉलो कर रहा है उसी पे चल रहा है उसने कहा है कि मैं पर्सनल चैट्स और इन्फॉर्मेशन को आउट नहीं करता हाँ उसने कुछ बातें शेयर की बट अगर वो वो बातें भी शेयर नहीं करता वो भी उसने वर्बेटम शेयर नहीं की अगर वो बात वो बातें भी शेयर नहीं करता तो वो बोल ही कैसे पाता जो वो बोलना चाह रहा है Uh, मैं ये नहीं कह रहा डेफिनेटली प्रूफ होगा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसका जो बिहेवियर है वो उसके जो रूल्स हैं असूल हैं उनके साथ कंसिस्टेंट है तो मैं डायरेक्टली या ऑटोमेटिकली इसमें कोई गलती नहीं देखता हो सकता है ना हो उसके पास प्रूफ लेकिन ये डेफिनेट नहीं है क्योंकि उसने जस्ट वीडियो भी नहीं दिखाया तो कि उसके पास प्रूफ नहीं है एनीवे लेट्स मूव ऑन ये एक आपकी बात का जवाब है ओके um, okay. आपने कहा कि श्वेताब अपनी वीडियो की वजह से इस कंट्रोवर्सी में घुसा है खुद से आपने उसे नहीं घुसाया कोर्ट के केस में इसका जवाब यह है कि यार जब आपने उसकी प्राइवेट चैट्स आउट कर दी पहली बार हेलो वाली वीडियो में तो और उसने संदीप के साथ सेटलमेंट करके पहले निकल लिया था फिर आपने उसके उसको घुसा लिया दोबारा से तो वो तो फिर घुसना ही था ना उसने रोप इन होना ही था उसके बाद उसने एक वीडियो बनाई प्राइवेट चैट के डिस्क्लोजर के ऊपर उसके बाद फाइनली उसने काफ़ी लंबा गैप लेके ये वाली लास्ट वाली वीडियो बनाई कि जो कि उसको प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि उसका कहना है कि आपने उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर जो भी आप मजबूर करें कि मेरी बात करो या मेरे फेवर से बोलो या वट जो भी सिचुएशन है तो अगर उसके वर्ड पर लिया जाए तब तो उसका बनता ही था बनाना उसके वर्ड पर ना भी लिया जाए सिर्फ आपके एक्शन को देखा जाए तो भी आपने यार उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को आउट तो किया ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक प्रेसिडेंट है आपके एक्शंस में इन्वॉल्व करने का तो ये मेरा मानना है इसमें अब वो फिर भी चुप रहता बिल्कुल ही कुछ ना बोलता आई डोंट नो बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है बट एक चीज़ आपके एंड पे भी गलत है और भाई सारी बात है इसलिए प्रखर को एड्रेस कर रहा हूँ कि भाई ये आपके एंड पे गलत है ये आपके एंड पे गलत है क्योंकि ये लास्ट वीडियो आपने बनाया था एनी anyway, um, एक कोई गौरव तनेजा का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मुझे नहीं पता वो कौन है आ, जिनका कोई केस चल रहा है किसी जर्नलिस्ट पर जिन्होंने उनके बारे में कुछ गलत लिखा था या बोला था यार मुद्दे की बात ये नहीं है कि किसी यूट्यूबर का कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा मुद्दे की बात यह कि एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर पर यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन के बेस पे केस कर रहा है और ये आपने कहा ना कि संदीप हजवरी जब केस कर रहे थे आप पे जिसके बारे में शुद्ध आपको पता था तो उसने आवाज़ के लिए उठाई भाई वो अपने बारे में आवाज़ उठा रहे हैं ना और आप अपने बारे में आवाज़ उठा रहे थे और एक और बात आपने कही कि मुझे परमिशन मिली थी और फिर मैंने यार बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऑलरेडी कह है चुके हैं परमिशन हाँ भाई कर लो ये उन्होंने बोला अगर उन्होंने किसी ने आपको बोला हाँ भाई कर लो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपने बोला उसकी उसने ज़िम्मेदारी ले ली क्या पता आप उसमें करके कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि कोई फर्क ही ना पड़ रहा होता आई डोंट नो अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान खुद जिम्मेदार होता है एनी anyway, वे आगे चलते हैं आपके मेंटल पीस की आपने बात की यार देखो मेंटल पीस तो जिस जिसके ऊपर भी ना ये हो रहा है कोर्ट केस उसका जाएगा ही जाएगा और जो जो इसमें इन्वर्ल्ड है उसका जाएगा ही जाएगा संदीप महेश्वरी का मेंटल पीस तब चला गया होगा क्योंकि उनकी एक प्रस्टीन इमेज है उसको डैमेज हुआ है तो उनका मेंटल पीस गया उसको वो नहीं चाहते थे ऐसा ना हो उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है उनको आपने नेगेटिव लाइट में दिखाना शुरू किया उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपके पीछे पड़ गई आपका मेंटल पीस गया और डेफिनेटली मैं तो कहता आ रहा हूँ कि यार एक बंदा जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है मेंटल पीस होगा उसके बाद ओके okay. एक दो करोड़ वाली बात होती है कि आप दो करोड़ दे देंगे संदीप महेश्वर जी ने ऐसा कहा जिसको आपने एड्रेस किया उसमें यह है कि भाई क्योंकि मेजॉरिटी उस पर तो उनको ही देना है एनी वे बट कुछ तो शुद्धा आपको भी देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने कहा मेजोरिटी उसको देना पड़ेगा तो पर कुछ तो शुद्ध आपको देना ही पड़ेगा आप संदीप कह रहा हैं कि मैं दो करोड़ पूरे दे दूंगा तो भाई देखो अगर कोई बंदा पैसा कमिट कर रहा है तो उसको उसके सारे अंदर सारी प्रॉब्लम होंगी बट चलो एटलीस्ट कोई कमिट तो कर रहा है कि ठीक है यार मैं दे दूंगा ठीक है ये अपने आप में एक बुरी चीज़ नहीं है हाँ ये ज़रूर है कि हो सकता है कि श्वेताब के प्रति जो लोगों की अफेक्शन है उसकी वो माइलेज ले रहे हो और डेफिनेटली या अगर कोई भी बंदा दो दो सेकंड के लिए रुक के सोचेगा तो यस उसकी उनको माइलेज मिल रही है और काइंड ऑफ डिफ्लेक्ट हो गया है ये आ, प्रखर और श्वेताब के बीच में बट भाई जब हर बंदा कृत्य कर रहा है कृत्य मतलब <laughs> कृत्य का सिंपल मतलब तो काम होता है लेकिन आ, एक आ, एक ऐसी सेंस में एक मजाक की सेंस में उसे कहा जाता है हर बंदा जब कलाकारियाँ कर रहा है तो हर यार फिर वो भी कलाकारियाँ करेंगे क्योंकि आप भी कलाकारियाँ कर रहे हैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको आपकी कलाकारी का जब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हो जिसमें कहते हो भारत की मुझे ये सिखाता है मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है ये सि... ये क्या है ये भाई एक फेकरी है आप धर्म और देश के नाम पे सिम्पथी और लोगों को अपने जैसे जैसे कहते हैं ना कि मैं रिलेट रिलेट करवा रहे हो अपने साथ लोगों को सिम्पथी गेंद यही चीज़ वो कर रहे हैं जब उन्होंने आपको फ्लैग के ऊपर बोल दिया या जब उन्होंने संदीप का साथ ले दिया तो वो संदीप या फिर फ्लैग के नाम पे कंट्री के नाम पे या फिर दोस्त के नाम पे इंडिविजुअल के नाम पे वो यू नो जनता को अपनी साइड कर रहे हैं आप सूई तो कर रहे हैं ना लोगों को आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं दोनों कर रहे हैं संदीप की प्रॉब्लम ऑफकोर्स ये है उनकी अगर मुझे उनका फॉल्ट बोलना हो जो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने पहले ही बोला हूँ उनकी उनकी प्रॉब्लम यह कि उनकी एक प्रस्टीन इमेज है जिस पे सफ़ेद कपड़े पे हल्का सा भी दाग वो बर्दाश्त नहीं कर पाए उनकी हीरो पे हर्ट हो गया पहली चीज़ ये पहली प्रॉब्लम है उनकी आई थिंक यही मेजर प्रॉब्लम है आ, क्योंकि उनका एक ब्रांड है अगर वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे उनके ब्रांड को धक्का लगेगा समझ में आता है दूसरी चीज ये कि मुझे उनके कैरेक्टर की जो एक वियर्ड चीज़ लग रही है वो ये है कि वो जंप कर रहे हैं वन पॉइंट टू अदर पॉइंट जो कि आपने अपना आप, आपका पॉइंट रखा और आई अग्री ये कि एक बंदा कभी सॉरी बोल रहा है कभी गुस्से में आ रहा है कभी धमकी दे रहा है कभी ये कर रहा है वो कर रहा है आ, ये थोड़ा सा ये उनकी गलती है ये उनका वियर्ड वियर्ड बना है पर इसमें एक चीज़ में आपको सिर्फ सजेस्ट करता हूँ कि भाई ठीक है जिस वक्त में वो सॉरी बोल रहे थे उस वक्त में उस चीज का फायदा उठा के आप भाई इसे सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते थे भाई कैसे थे ओके ठीक है सर आप ऐसा करो हम कर लेते हैं और फिर आपने करा और फिर उन्होंने दोबारा से कोई वीडियो पोस्ट कर दिया तब तो बेवकूफ़ी है तब तो आप को हाँ भाई तू अब आ ही जा मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब ठीक है तब समझ आती है बात तो ये उनकी प्रॉब्लम है ये मुझे उनकी गलती लगती है अब आप एक बार ही बात करते हैं शताब की गलतियों क्योंकि उसकी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस बिना गलतियों की कोई भी इस प्रॉब्लम नहीं आता शताब की गलती की बात कर लेते हैं शताब की सबसे बड़ी पहले मैं सबसे बड़ी गलती हूँ शताब की पहली गलती ये थी कि उसने एक सेंसिटिव रिएक्शन दिया वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसके ओरिजिनल रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिसको संदीप महेश्वरी को जिससे प्रॉब्लम हुई थी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी मजाक में कोई बात थी कह दी चलो इतनी बड़ी बात नहीं है इट्स ओके उस उसमें संदीप महेश्वरी ने बड़ा तगड़ा रिएक्ट किया जिसको उसने पीछे ले लिया ओके okay, सॉल्व हो गया ठीक है तो या तो वो पीछे ना हटता अब पीछे हट गया तो पूरी तरीके से हट जाता उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने आपको क्लियरली दो टूक शब्दों में ये नहीं कहा कि भाई मैं इससे प्रॉब्लमैटिक मानता हूं तुम्हें करना है तो करो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसने कहा तुम्हें करना है तो करो गो हैड बट ये नहीं कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपना पल्ला वर्बली क्लियरली बता के झाड़ नहीं लिया एक्शन में झाड़ लिया आपके साथ में कोई वीडियो नहीं बनाई आपके साथ खड़ा होने में कोई वीडियो नहीं बनाई फिर ने लेकिन वर्बली वो चीज़ उसे एडवांस में कह देनी चाहिए थी ये मुंह फटपाना होता है जो कि जनरली उसका नेचर है बट उसने क्यों नहीं किया आई डोंट नो ये नेग्लिजेंस है जिसके बारे में जिसकी वजह से वो ये मैटर इतना आगे बढ़ा और वो भुगत रहा है अभी भी वरना उसके पास कुछ भी नहीं होता यू नो छुपाने के लिए तो एनी anyway, वे uh, कभी कभार इंसान को हार्ड कोर बनना पड़ता है सख्त बनना पड़ता है और वो नहीं बना उस वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उसके नेचर से आगे बढ़ते हैं भाई कैरेक्टर आपके कैरेक्टर पर आपने बात की जिस पे उंगलियाँ उठाई जा रही हैं तो आ, पहली चीज़ यह है कि यार आप ये करना चाहते थे आ, आपने कहा कि मैंने कहा था कि बनाऊँगा नहीं बस ऐसे ही क्लिक बेट दे रहा हूँ या क्लिक बेट देना भी कौन सा सही बात है आपने संदीप मेजर के बारे में कहा कि वो कह रहे थे मैं सिर्फ डरा रहा था आ, मैं केस करता नहीं उससे पहले आपने भी तो कहा ना कि मैं सिर्फ क्लिक बेट दे रहा था रिएक्शन करता नहीं तो वो भी तो गलत है यार अगर आप डरा सकते हो आप क्लिक बेट दे सकते हो तो वो भी वही करेगा हम इंसान हैं, हम सब के अंदर वही मैक अवेलियन सोच है दिमाग के अंदर पीछे बैकग्राउंड में जो हमें कभी कभार हावी होकर हमसे ऑपरेट करवा लेती है अपनी चीज़ें तो और फिर इस वजह से आपसे मुझे जो शिकायत है सबसे बड़ी या शायद लोगों को भी होगी जो मेरी तरह से चीज़ों को देख पा रहे हैं कि भाई आपको अपने परफेक्ट होने पे इतना क्यों है आप सारी बातें कहो बट एंड में कहो हाँ मुझसे भी गलती हुई है बट इन लोगों से ये गलतियां है हुई हैं आप सिर्फ उनकी गलती आउटराइट बता देते हो संदीप महेश्वरी कितना भी प्राउड हो इंटरनली एटलीस्ट वो कहता है चल ठीक है यार सॉरी बोल रहा हूं अगर तू इसे खत्म कर देगा तो वो ये कहता है एंड में ये फर्क है एनी वेड डू दिस हाँ एक चीज़ अगेन मैं शायद पहले एड्रेस कर चुका लेकिन फिर भी एड्रेस कर देता हूँ यार आप एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से अपना पॉइंट रखते हो जो कि ओरेटरी के स्किल से ताली बजाने के लायक है लेकिन आई डोंट नो 18 20 साल के बच्चे 25 साल तक के बच्चे शायद उसे देख के इंस्पायर हो जाते होंगे बट मैं जब उसे देखता हूँ तो मुझे लगता है यार अगेन आप अपील टू अथॉरिटी कर रहे हो आप नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म को का सहारा ले रहे हो उस पर रिलीजन you know, like, के उससे आ रहे हो यू you नो know? uh, चीज़ों को इतने श्योरली बता रहे हो जैसे कि वो अल्टीमेट ट्रूथ हो ये इंक्लूड नहीं कर रहे भाई ये मेरा ओपिनियन है आई हैव रीच्ड टू दीज कंक्लूजन दे मे नॉट बी राइट एक रिस्पॉन्सिबल इंसान का ये फर्ज बनता है कि अगर कोई आइडिया वो स्प्रेड करे तो वो कहे कि भाई ये मेरा आइडिया है अपने रिस्क पे करना दवाई आती है दवाई पे लिखा होता है देर में भी रिएक्शंस यू नो देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर बैक ट्रैक अगर वो आप नहीं रखोगे तो छोटे बच्चों को I mean, छोटे बच्चों के पच्चीस तीस साल तक के भी हो सकता है लोगों को आपको लोगों को आप इंस्पायर कर लो बट यू नो एक जो थोड़ी देर के बाद बंदे को उसका सच दिख जाएगा एनीवे anyway. एक और क्वेश्चन मुझे um, एक्चुअली एक और चीज थी uh, और जब आप ये कर रहे होते हो तो मुझे लगता है कि भाई आप अपने आप को एक अंडर डॉग और हीरो जो कि मिथुन चक्रवर्ती जो अमरीशपुरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और मिथुन चक्रवर्ती जो चाल में रहता है जो नाइनटीज की मूवी का जो हीरो था जो कहता है सेठ मैं तुझे इन गरीबों की वट एवर आई एम जस्ट कमिंग अप विद दिस राइट नाउ जो जो ऐसे कहता है कि सेठ मैं तुझे इन गरीबों के आशियानों को उजाड़ने नहीं दूंगा चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों ना देगी ये वाले मोड से बाहर निकल जाओ यार आपने एक वीडियो बनाया रिएक्शन पे जिसके जिससे कि आपका इंटेंशन था कि यू you नो know, आप एक तो यू you नो know, क्योंकि हमारा ही काम है मैं भी बनाता हूँ मैं भी रिएक्ट करता हूँ मेरा काम है उन चीजों पर बात करना बट ये भी था कि यार ये इंटरेस्टिंग है ये मुझे आगे लेके जाएगा मेरी रीच बढ़ाएगा कुछ ना कुछ तो था ना इस बारे में समाज सेवा का काम ये किसी एंगल से है बट हर एंगल से नहीं है तो आपने एक स्ट्रेटजी या किसी भी सोच के तहत वो काम किया जिसमें कि आप समाज सेवा नहीं कर रहे थे ऑफ कोर्स एक जूसी चीज थी आपके लिए उस टाइम पर ईमानदार जी बात की जाए आपके लिए उस वक्त एक जूसी चीज होगी जिसको कि आप यू नो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे और आपने बोला बहुत अच्छी चीज़ है मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने भाई आपने बोला कि भाई हम इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पे बात करेंगे इसके बारे में

अंडरडॉग आप नहीं है आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है कोर्ट की जिस एरिना में आप इस गेम को ले जा रहे हैं यानी कि जुडिशियल वहां पे आप नेचुरल एनवायरमेंट है आपका भाई तो आप अंडरडॉग नहीं हो और आप एब्सोल्यूट हीरो भी नहीं हो क्योंकि इस गेम में कोई हीरो नहीं है रियल गेम में कोई हीरो नहीं होता हर कोई हीरो और विलेन के बीच की कोई चीज होता है थोड़ा ज्यादा विलेनस या थोड़ा ज्यादा हीरोइक मैं भी हीरो नहीं हूँ मैं भी कोई बहुत प्रोफेटिक अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबसे बेटर ख़त्म हो उसकी वो वो उठाया जाए बहुत सारी गलतियाँ होंगी ऑफकोर्स मेरे अंदर भी कमियाँ होंगी बहुत सारी ऑफकोर्स तो ये ये चीज़ें मुझे लगा जो मुझे लगा कि आपके जब आप अपने कैरेक्टर का दे रहे थे तो उसके बारे में वाई डिड यू रिकॉर्ड ओके एक चीज़ ये क्वेश्चन में दिमाग में कि भाई देखो अगर आप क्लियर माइंड क्लियर हैड थे प्योर माइंडेड थे और शताप के साथ आपकी दोस्ती थी एटलीस्ट नाइस टर्म्स में थे मैं जिन लोगों के साथ बात करता हूँ ना मैं अपनी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं करता किसी के साथ मैं तो खैर जिन लोगों से प्रॉब्लम उनसे भी नहीं करता लेकिन आई आई होप ज़्यादातर लोग अपनी कॉन्वर्सेशन नहीं रिएक्ट कर रिकॉर्ड uh, करते होंगे तो चैट तो समझ में आता चलो चैट हिस्ट्री में होती है चैट की एक फोन के अंदर होती है बट कॉल रिकॉर्ड्स करना Zoom कॉल्स रिकॉर्ड करना ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड करना अह uh, मैं ये इसलिए इंप्लाई हो रहा है कि आपने ये किया है मुझे मैं इस लाइक ऐसा क्यों आप अगर कहते हैं कि आपको कैसे पता मैंने किया है तो ये इंप्लाइड है इस चीज से क्योंकि आपने कहा है कि मैंने ये सब दे दिया है कोट में तो आई तो अगर आपने वो इंफॉर्मेशन दी है सारी की सारी तो उससे इम्प्लाई यही हो रहा कि आपने किया होगा तभी तो दिया ना वरना क्या दिया है आपने तो मैं एज्यूम करते हुए कह रहा हूँ कि भाई फिर ये ये एटलीस्ट चलो संदीप महेश्वरी से तो आपका भड्डा चल रहा था आपने रिकॉर्ड करी होंगी जो भी चीज़ें श्वेताब से आपने अपनी कॉल्स जब भड्डा नहीं भी चल रहा था तो आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की आपने ये किस टाइप का लोग किस टाइप के दोस्त ऐसा करते हैं यू नो ये आई डोंट नो हो सकता है आपका जस्टिफिकेशन हो सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से uh, तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रखर इसमें गलत है एब्सोल्यूटली मुझे सिर्फ उसकी जो मुझे अब तक उसकी एब्सोल्यूट गलती लगी है वो ये लगी है कि भाई आपने श्वेताब को डायरेक्टली इस सिचुएशन में श्वेताब क्योंकि यार देखो एक पर्सनल रिलेशन एक डिफरेंट होता है उसका लिहाज होता है कुछ चीज़ें होती हैं आपने बताया कि भाई किसी ने आप पे आरोप लगाया और किसी ने आपको रोस्ट किया ये है ये डिफरेंट चीज़ें जब रोस्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड होता है भाई मज़ाक चल रहा है ठीक है वो, वो एक डिफरेंट चीज़ है बट किसी ने आप पर आरोप लगाया इस बंदे ने ऐसा किया यू you नो know, आपका कहना था कि शुदाब आपने ऐसा कहा आपसे कि भाई इसने मेरे को कहा कि मैं इसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ ये आरोप था इसलिए मुझे उसे कोर्ट में बुलाना पड़ा अगर आप किसी के साथ पर्सनल लेवल पे हो और उसने आप पे आरोप लगा भी दिया और आप ये चाहते भी थे उससे कि भाई ये बंदा जैसा कि आपने कहा मैं चाहता हूँ वो हटा ले और मुझसे अपोलोजाइज करे क्योंकि वो झूठ है केस करने से पहले एक बार को जैसा कि मैंने पहले कहा एक बार को डायरेक्टली अप्रोच करके बात किया आपने पता नहीं की, की, की नहीं ये शायद की होगी मुझे नहीं पता आ, बता देते भाई देखो ये कर लो नहीं तो मैं केस ठोक रहा हूँ अगर वैसा किया है आपने तो ठीक है फिर आप आप बिल्कुल ठीक है तो ये मुझे यार आपके एंड पे ये गलती लग रही है ये दो चीज़ें दो तीन चीज़ें मुझे आपके एंड पे गलती लग रही है आप सोच रहे हो एब्सोल्यूट हीरो नहीं ऐसा नहीं है अपने एंड की आप गलतियाँ नहीं मान रहे ये भी नहीं है शताब के एंड पे ये भाई उसको उस उससे शायद शिताब से मुझे जो जो लग रहा है इस वक्त इनिशियली वो जैसे कहते हैं ना कि दिस ऑल केम आउट ऑफ नो वेयर एंड ही कुडेंट डिसाइड इन द मोमेंट एक ना नाइस लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है शायद मैं नहीं कह रहा कि वो नाइस नाइस इंसान है नाइस नाइस पर्सन बट कभी कभार ऐसा होता है यार कि बंदा ना अपने क्लोज़ के लोगों के साथ खुल के ना नहीं कर पाता उनको चीज़ों के लिए चाहे वो सोच भी रहा हो ऐसा तो वो जो स्ट्रांग ब्रूटल कैरेक्टर होता है वो ब्रूटेलिटी वाला कैरेक्टर वो दिखा नहीं पाया जहाँ उसकी ज़रूरत थी क्योंकि कई बार उसकी ज़रूरत होती है यू हैव टू बी अ मैन वैन यू हैव टू बी वैन यू नीड टू बी तो वो वो कहीं कही ना कहीं वो थोड़ा सा थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा पिघल गया वो उसने आपको ब्रूटली मना नहीं किया कि नहीं भाई बना है बना, 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 बना मेरा को लेना देना नहीं है कल को मेरे पास मत आना इसके लिए प्रॉब्लम हुई तो तो ये उसके एंड पे और बाकी बात हम पहले ही कर चुके हैं तो एनी वे फाइनली ये कैसे सॉल्व हो सकता है अभी भी मेरा तो ये मानना है कोर्ट में सॉल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है आपका अगर मान कोर्ट में ही लड़ने का है तो कर लो मुझे लगता है संदीप महेश्वरी जी के पास इनफ पैसा है कि वो इसे कोर्ट में लड़ सकें आपके पास इनफ बैक है कि आप इसे कोर्ट में लड़ सको श्वेता भी बहुत मुश्किल समय उसने अपनी लाइफ में देखा है वो इससे भी वो गुजर जाएगा होपफुली मुझे पूरा यकीन है स्ट्रांग बनता है मेंटली, इससे गुजर जाएगा संभाल लेते हैं लोग आती है प्रॉब्लम बट येस ये एक कहानी बन जाएगी ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में आ जाएगी गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी और आगे भी लोग शायद फिर ऐसा करना शुरू कर दें तो ये एक प्रॉब्लम है दूसरा रास्ता ये है सम हाउ कॉन्टैक्ट कर लो अपनी ईगो को साइड पर रख के आप में से कोई भी आई गेस संदीप मेश्वरी ने लास्ट नाइट भी कुछ पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने ये चीज़ ऑफ़र की है आपके पास ये ऑफ़र है तो आज के लिए इतना ही होपफुली इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी आप लोगों को